दोस्तों, बॉलीवुड में को स्टार के साथ नजदीकी बढ़ने या अफेयर होना बहुत ही आम बात है। कभी अपने जमाने की फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन का नाम भी इन एक्ट्रेसों के साथ जोड़ा जा चुका है, लेकिन रवीना ने शादी बिजनेसमैन अनिल से की। आश्चर्य की बात यह है कि रवीना अपनी बड़ी बेटी से महज 11 साल ही बड़ी है। यही नहीं, वो नानी भी बन चुकी है। तो चलिए, आज हम आपको रवीना टंडन के अफेयर से लेकर उनकी शादी और उनके बच्चों से जुड़ी सारी खबर बताते हैं। रवीना का नाम बॉलीवुड में गोविंदा, अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ काफी ज्यादा जोड़ा गया है। रवीना का पहला अफेयर अक्षय कुमार से हुआ था। बता दें कि दोनों ने सगाई तक कर ली थी, लेकिन ये सगाई 6 महीने बाद ही टूट गई और अक्षय ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। अक्षय कुमार के बाद रवीना सनी देओल के साथ फिल्मों में काम करने लगी थी और इसी दौरान दोनों दूसरे को दिल दे बैठे थे, लेकिन ये अफेयर भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया। सन्नी के बाद रवीना का नाम अजय देवगन के साथ भी जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्टों की माने तो अजय के कारण ही करिश्मा और रवीना के बीच कैट फाइट हुई थी और दोनों अंदाज अपना अपना में एक बात तक नहीं करती थी। अजय से अलग होने के बाद रवीना ने बिजनेसमैन अनिल धारने से शादी कर ली। शादी से पहले ही रवीना ने दो को गोल ले लिया था, छाया और पूजा। देखिए, छाया की शादी हो चुकी है। छाया से मात्र साल छोटी हैं। रवीना और अनिल के दो बच्चे हैं, एटी और दूसरा बेटा रणवीर। तो दोस्तों, आपको रवीना टंडन की लाइफ से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले प्रेस। एंड तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।